सदर प्रखंड गिरिडीह के अंतर्गत लेदा में नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ में भव्य कलश यात्रा में उमड़ी भीड़। आज दिनांक 20/5/2023 दिन शनिवार को गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत लेदा ग्राम में नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास के ग्रामीण महिलाओं ने 711 की संख्या में कलश उठाए। कलश जल यात्रा यज्ञशाला से शुरू होते हुए लेदा गांव होते हुए जल अहरी तक पहुंचा। इस दौरान महिलाएं, बच्चे और पुरुषों ने गायत्री माता के जयकारे से गूंज लगाए, जिससे वातावरण भक्तिमय से भाव विभोर हो गया। कलश यात्रा में आसपास के ग्रामीणों ने भारी संख्या में भाग लिया, जिसमें लेदा, गादी, बंसीडी, झरीबाग, सिंधवारिया, कुरुमडीहा, बागमारा, चेंगरावासा, अलगुंदा आदि के ग्रामीण भाग लिए। इस भव्य कलश यात्रा में मुख्य अतिथि समारोह में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मुनिया देवी, कांग्रेस प्रदेश महासचिव श्री नरेश वर्मा, गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह के सैकड़ों संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित थे। आज से इस ग्राम लेदा में नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन आरंभ हुआ है, और गत वर्ष इसी तिथि में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ यहाँ पर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ, और उसकी ही वार्षिकी पर यह कार्यक्रम रखा गया है। ये 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा, 22 तारीख तक इसकी पुनौती होगी, और इस कार्यक्रम विशेषकर व्यक्तियों को आध्यात्म से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आज मनुष्य के जीवन से ईश्वर कहीं चला गया, ईश्वरीय आस्था खत्म हो गई, ईश्वरीय आस्था खत्म होने से मनुष्य के अंदर अनुशासन समाप्त हो जाता है और मनुष्य बुराइयों की तरह स्वाभाविक रूप से जाने लगता है। ईश्वरीय आस्था जहाँ रहती है वहाँ आदमी ईश्वर से डरता है कि हम यदि बुरा काम करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा, अच्छा काम करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। ईश्वरीय परायण व्यक्ति, ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति अनुशासित रहता है और जीवन में कभी गलत काम नहीं करता है। इसलिए इस देश के ऋषियों ने कहा कि आस्तिकता का वातावरण बनाया जाना चाहिए और जन जन को इससे जुड़ना चाहिए। जैसे उसके जीवन में ईश्वर का विश्वास आएगा, ईश्वर प्रति श्रद्धा होगी, आस्था होगी, तो गलत काम से स्वतः हुआ अपने आप को खींच लेगा और अच्छे काम में प्रवृत्त होगा। और यही एक आंदोलन, आस्तिकता भरा आंदोलन गायत्री महायज्ञ के माध्यम से पूरे देश में, विदेश में, अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा कराया जाता है। छोटे छोटे कार्यक्रम छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कार्यक्रम कराए जाते हैं। हजारों की संख्या में हमारे यहाँ गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम कराया जाता है, और जहाँ एक ही इसका मुख्य उद्देश्य कि व्यक्ति को आस्तिक बना करके ईश्वर विश्वास जोड़ करके उसके संस्कार को बदला जाए। आज आदमी संस्कारहीन हो गया, संपत्ति तो उसके पास है लेकिन संस्कार के अभाव में उसका जीवन बहुत ही दुखी है। साधनों का की बढ़ोतरी हुई, संपदा की वृद्धि हुई, लेकिन संस्कार में उसका संस्कार जानों से भी ज्यादा गिर गया, जिसके कारण संपत्ति और साधन रहते हुए आज मनुष्य नाना प्रकार कष्ट कठिनाइयों में पड़ा हुआ है। इसलिए इस यज्ञ के माध्यम से हम व्यक्ति को संस्कारित करने का और ईश्वर प्रति आस्था जगाने का और एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने का प्रयास हम सभी करते हैं।